हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, पॉसिबल इलेवन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये मैच फ्री वीडियो है कोलकाता नाइट रेंडर्स यानी कि केकेआर वर्सेस टीसी के बीच में मैच होगा, दिल्ली कैपिटल्स, एक बड़ा मैच। तो कोलकाता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है एज़ पर देर अंक पायदान में थोड़े दिक्कत में अभी परिस्थिति इनके लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं है। अगर इन्हें क्वालिफाई करना है तो एक अच्छा मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है इनके लिए, इन्हें जितना इंपॉर्टेंट है इनके लिए। वहीं दिल्ली की बात करूँ, क्वालिफाई तो ये कर ही लेंगे फ्रेंड्स, पर अगर टॉप टू में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, टॉप टू के पास एक एडवांटेज होता है जो कि ये आगे प्लेऑफ्स में मिलता है कि एक मैच अगर वो हार भी जाते हैं तब भी इनके पास एक और मौका रहता है फाइनल में अपनी जगह बनाने का। तो फ्रेंड्स, उसके लिए दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी एक अहम मुकाबला। तो फ्रेंड्स, कोलकाता की बात करूँ तो एक बेहतरीन टीम, वेल बैलेंस्ड टीम, पर लास्ट मैच में पूरी आरसीबी के खिलाफ पूरी तितर बितर हो गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत जल्दी सस्ते में सभी लोग आउट हो गए थे, 80 के अराउंड सभी ऑल आउट हो गए थे, ऑल आउट नहीं हुए थे फ्रेंड्स, 9 विकेट गिरी थी, ओवर्स का कोटा पूरा हो गया था। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की बात बताऊँ, डीसी की बात बताऊँ, सॉरी, शिखर धवन बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में फ्रेंड्स, दो लगातार सेंचुरीज मारना इम्पॉसिबल काम था जो कि धवन ने अब पॉसिबल कर दिया, पर फिर भी ये लास्ट दो मुकाबले हार गए। ये एक दिक्कत की बात है क्योंकि धवन के अलावा और किसी बैट्समैन ने ज़्यादा अच्छी बैटिंग नहीं की, ये थी दिक्कत जिनके कारण ये हारे। जैसे कि लास्ट मैच के बाद मतलब 160 का अराउंड रन बने थे, जिसमें कि 100 तो धवन ने खुद बनाए थे, मात्र 60 रन बने दूसरे साइड से। ये थोड़ी दिक्कत की बात है फ्रेंड्स, पर दिल्ली इसे ज़रूर सुधारना चाहिए। इनके जो नया एडिशन हुआ इनके टीम में, डैनियल सैम दिखे थे हमें, एक अच्छे गेंदबाज शिमरन हिटमायर आ गए थे वापस, ऋषभ पंत आ गए थे वापस, तो एक बेहतरीन टीम दिख रही थी फ्रेंड्स, पर फिर भी एक बड़ा मैच इनके लिए भी फिर से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं तो आंध्र रसल अभी भी अनफिट है और नहीं इनका खेलना अभी भी फिक्स नहीं है। वही एक बड़ी खबर ये है कि सुनील नारायण एक्सपेक्टेड है कि वो वापस आ सकते हैं टीम में, तो एक बड़ा न्यूज़ है कोलकाता के लिए, काफ़ी अच्छी खबर है उनके फैंस के लिए। फ्री गिव अवे इस मैच में भी 1000 रुपये का फ्रेंड्स है। क्या करना है आपको, इंस्टॉल करना है हमारी एप्लीकेशन विद रेफरल कोड कैपिटल वाई कैपिटल टी, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, जाके उसे इंस्टॉल कीजिए विद रेफरल कोड कैपिटल वाई कैपिटल टी। मैच को खोलिए, नीचे टीम्स का जो ऑप्शन है वहाँ पर जाइए और फ्रेंड्स वहाँ पर सजेस्ट टीम ऑप्शन आएगा, वहाँ पर अपनी टीम सजेस्ट कर लीजिए, जैसे कि आप करते हैं ड्रीम इलेवन में या फिर अदर फैंटेसी स्पोर्टिंग साइट में, और फिर आप छोड़ दीजिए, आपको उसी अनुसार जैसे कि यहाँ पर रैंक है उस अनुसार आपको पैसे मिल जाएंगे, वो भी फ्री एंट्री है। मैच प्रीव्यू की ओर चलते तो कोलकाता नाइट राइडर्स, बहुत ही टेरिफिक गेम था इनका, 84 रन पे ऑल आउट हो गई थी, ऑल आउट हो गई थी फ्रेंड्स, और वो भी मात्र 14 ओवर में, तो बहुत ही डिजास्टर्स था। लास्ट मैच में टॉम बैटन खेले थे रसल की जगह, और अगर सुनील नारायण वापस आते तो एक और नया कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। लास्ट गेम को छोड़ दें तो त्रिपाठी अच्छे फॉर्म में, राणा से अच्छी रन्स की उम्मीद कर सकते हैं, दिनेश कार्तिक से अच्छे रन्स की उम्मीद कर सकते हैं, मोगन इस टीम के कप्तान, पैट कमिंस से एक बड़ी उम्मीद, लॉकी फर्गसन ने सेकेंड लास्ट मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी फ्रेंड्स, 3 विकेट मेन मैच में, सुपर ओवर में 2 विकेट बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, 2 रन पर ऑल आउट कर दिया था हैदराबाद की टीम को सुपर ओवर की बात करूँ तो। फिर हम लास्ट मैच के यहाँ पर हाईलाइट चेकआउट कर सकते हैं, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ बात बताऊँ तो ये जो लास्ट मैच हार गए थोड़ी दिक्कत की बात है, बैलेंस में थोड़ा दिक्कत था, ऋषभ पंत आ रहे थे चोट के बाद, तो फ्रेंड्स थोड़ा दिक्कत था, पर फिर भी एक अच्छी टीम है, बेहतरीन टीम है, टॉप टू में ज़रूर अपनी जगह बनाना चाहिए फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, धवन के ने कंसेक्यूटिव सेंचुरी बना दी, पर किसी में भी इन्हें जीत नहीं मिली फ्रेंड्स, ये थोड़ा कंसर्न है, पर फिर भी एक अच्छी टीम और वापस अपने आप को कंसोलिडेट करना चाहेगी। मान स्टॉइनिस और हेडमायर के लिए अच्छे और बहुत ही बेहतरीन विकल्प है जो कि फिनिशिंग करेंगे। फिर डीसी के बाद फिफ्थ बोलर के बाद हो तो हर्षल पटेल आ सकते हैं, तुषार मिर्ज देश पांडे की जगह, ये कुछ छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं। हेड टू हेड की हम बात बोलूँ तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स थोड़ा पीछे कोलकाता नाइट राइडर्स से 13-11 से, पर फिर भी दिल्ली बहुत बेहतरीन और वेल बैलेंस टीम है अभी के करंट सिनेरियो में, और चांसेस है कि दिल्ली ये मैच जीते। टॉस प्रेडिक्शन के बाद जो भी जीतेगा टॉस पहले बैटिंग करेगा, ये 2020 में सब कुछ उल्टा हो रहा है, सब पहले बॉलिंग करते थे, चेस करना पसंद करते थे, पर अब ये दूसरा ट्रेंड चल रहा है फ्रेंड्स। की पॉइंट्स के बाद हो तो रबाड़ा पर्पल विकेट पर्पल कैप है इनके पास 21 विकेट के साथ, धवन ने दो सेंचुरी बना दी वो भी कंसेक्यूटिव, फर्गसन काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 6 विकेट ले लिए इन्होंने टोटल 2 गेम्स में, 2 विकेट इसमें से सुपर ओवर का था। शुभमन गिल हाईएस्ट रन गेटर है कोलकाता के, 312 रन इन्होंने बनाए 10 गेम्स में। वन एज टिप्स की बात बताऊँ तो दिनेश कार्तिक आपके लिए अच्छे विकल्प रहेंगे, स्मॉल लीग के कैप्टनसी ऑप्शन है शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, वहीं स्मॉल लीग के वाइस कैप्टन ऑप्शन है गिल और रबाडा, फर्गसन विकेट टेकिंग बोलर्स हैं,
स्मॉल के मास पैक्स और ग्रैंड लीग के रिस्की पैक्स और की प्लेयर्स पे आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पे, जरूर इंस्टॉल कीजिए, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइसेस की बात हो तो अगर शुभमन गिल, दिनेश कार्तिक, ऑइन मॉर्गन, तीन शिखर धवन, अय्यर, स्टॉइनिस और रबाडा है। साढ़े तीन बजे मैच खेला जाएगा सेक्स आई स्टेडियम आबू धाबी में, एक अच्छी वेन्यू रही है। 160-170 का स्कोर देखने को मिल सकता है जिसमें बैट और बॉल दोनों ही कम्पीट होने वाले हैं। वेदर क्लीन है, बारिश की संभावना नहीं है, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं ड्रीम इलेवन में टीम बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स आपके सामने हम लाइव टीम बनाएंगे। फ्रेंड्स एक सजेशन देता हूँ मैं, फ्रेंड्स कुछ लोगों को लगता है कि मैं बहुत स्पीड में बोलता हूँ, थोड़ी तेज़ बोलता हूँ, तो इसके पीछे बस एक ही कारण है फ्रेंड्स, ज़्यादा बोर ना हो पब्लिक, उन्हें कम टाइम में अच्छी कंटेंट मिल जाए, बस इसीलिए मैं तेज़ बोलता हूँ, मैं एफर्ट लगाता हूँ आप ही लोग के लिए। फ्रेंड्स अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप स्लो कर सकते हैं हमारे वीडियो को और चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैं आप ही लोग के लिए करता हूँ, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम आपके सामने लाइव टीम बनाएंगे, ऋषभ पंत हमारा टीम में ज़रूर होना चाहिए, बहुत ही बेहतर बैटिंग कर सकते हैं, अभी तक वो पोटेंशियल के हिसाब से अभी तक बैटिंग करते हुए दिखे नहीं है पूरे आईपीएल में, फिर भी फ्रेंड्स हमारी टीम में ज़रूर रहेंगे। आगे दिनेश कार्तिक के बारे में भी बात करेंगे, पहले हम पूरी टीम बना लेंगे। शिखर धवन हमारे टीम में ज़रूर होना चाहिए, सूर्य अय्यर आपकी टीम में ज़रूर होना चाहिए, पृथ्वी शॉ आउट ऑफ फॉर्म है, शायद उनकी जगह रहाने देखने को मिल सकते हैं, पर वो भी बहुत कुछ खासा फॉर्म में नहीं है। हेटमायर आपके टीम में हो सकते हैं फ्रेंड्स, एक जेन्युइन पिक बता रहा हूँ मैं। त्रिपाठी आपकी टीम में होने हो सकते हैं, त्रिपाठी और राणा में आप टॉसअप कर सकते हैं, मैं त्रिपाठी के साथ जाऊँगा। ऑलराउंडर्स की बात हो तो सिर्फ स्टॉइनिस आपके पास, नारायण की एक्सपेक्टेड न्यूज़ है कि वो रिटर्न आ सकते हैं, पर मैं उन्हें नहीं खिलाऊंगा अभी, क्योंकि मैं आपको एक सेफ टीम दे रहा हूं जिसमें आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, जो कि हमारा टीम रहेगा जो कि टॉस के बाद दिया जाता है आपको टेलीग्राम चैनल पे, उसमें आपको पूरी प्लेइंग 11 के हिसाब से आपको टीम दे दी जाएगी। तो हम स्टॉइनिस को रखेंगे अपनी टीम में, आप अक्षर पटेल को भी अपनी टीम में रख सकते हैं, पर एक तरह से देखिए तो हमारे पटेल सिर्फ दिल्ली का पूरा गिरोह बना हुआ है, कोलकाता का भी प्लेयर्स लेने होंगे फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं होगा। तो त्रिपाठी हमने लिया हुआ है, हेटमार हम रखेंगे, अय्यर है, धवन है, बहुत मुश्किल होगा फ्रेंड्स, तो अय्यर को ही बैठाना पड़ेगा। हम शुभमन गिल को फिर खिला सकते हैं उनकी जगह, या फिर ओइन मॉर्गन के साथ भी जा सकते हैं। अक्षर पटेल यहाँ पर अगर पिक कर सकते हैं तो कर सकते हैं, फिर रबाडा पे हम ले सकते हैं, उनके चुनाव का लास्ट मैच नहीं खेले थे, मेरे हिसाब से उन्हें खेलना चाहिए, लास्ट मैच भी नहीं खेले थे, ये दिक्कत थी उनके लिए। कुलदीप यादव को मैं खिलाऊंगा, अभी तक इम्पॉर्टेंट इनिंग इनकी नहीं आई है, अच्छी मैच नहीं है, विकेट टेकर है पर विकेट कभी भी ले सकते हैं, तो मैं इनके साथ जा रहा हूँ। तो एक अच्छी टीम दिख रही फ्रेंड्स, पांच बैट्समैन खिलाए हमने, पांच बैट्समैन, एक विकेट कीपर, दो ऑलराउंडर और तीन बॉलर्स, एक अच्छी टीम दिख रही फ्रेंड्स। आप दिनेश कार्तिक को भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, जो पार्टी की जगह आप दिनेश कार्तिक को खिला सकते हैं, पर मैं दिनेश कार्तिक के साथ नहीं जा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शंस की बात हो तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। कैप्टन के लिए प्रबल पिक तो धवन होंगे, पर मैं नहीं बनाऊंगा उन्हें कैप्टन, मैं वाइस कैप्टन बना रहा हूँ उन्हें, और जिन्हें आप जा सकते हैं कैप्टन शुभमन गिल के साथ या फिर राहुल त्रिपाठी के साथ। स्टॉइनिस का भी एक अच्छा विकल्प है, आप इनके साथ भी जा सकते हैं, मैं आपको एक सेफ टीम दे दे रहा हूँ अभी। गिल के साथ जा रहा हूँ, गिल का एक बड़ा मैच आ सकता है, धवन ने तो दो सेंचुरी मार दी, अब मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ा रन नहीं बनाने देखने को मिलेंगे, पर फिर भी वाइस कैप्टन ने बनाया हुआ है कि ताकि जो सामने वाला अगर उन्हें कैप्टन बनाता और अगर वो कुछ रन बना देते हैं तो आप डिफेंसिव होगा आपके लिए एक मूव। तो चलिए फ्रेंड्स एक अच्छी टीम दिख रही है, थोड़े रिस्क लेके हम टीम बनाएंगे, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पोस्ट कर दिया जाएगा, जो कि होगा आफ्टर द टॉस, प्लेइंग 11 को मद्देनजर देखते हुए। तो चलिए फ्रेंड्स लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, कमेंट कीजिए, इंस्टॉल कीजिए हमारी एप्लीकेशन विद रेफरल कोड कैपिटल वाई कैपिटल टी, बहुत सारे पैसे कमाए इस मैच से भी।